नमस्कार दोस्तों, कि राष्ट्र में युवा की भूमिका क्या है। युवा है वो इस देश की एकता में, अखंडता में, संप्रभुता में, इस देश की सम्मान में वो अपनी भूमिका क्या रखता है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि युवा है कौन। क्या युवा एक वो इंसान है जिसके विचारों में तो गंदगी भरी है लेकिन उसकी उम्र जो है वो 16 से लेके 35 वर्ष की है? या युवा वो है जिसके विचारों में आज भी नवीनता है, जिसके विचारों में आज भी समाज की गति के लिए सोचता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है? क्या युवा वो है जो 85 की उम्र में भी अपने समाज को स्वच्छ, स्वस्थ, अपने समाज की तरक्की के लिए सोचता है? युवा वह है जो कि 18 की उम्र में किसी लड़की के बलात्कार के बारे में सोचता है या समाज में असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहता है? तो ये जो डेफिनेशन है युवा की, ये हम लोगों को निर्धारित करनी पड़ेगी। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है, सरकार कहती है कि एक जो युवा है उसको हम लोग 18 से लेकर 35 साल तक की उम्र तक के व्यक्ति को हम लोग युवा मानते हैं, और इसी उम्र के बीच में वो बहुत सारी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है, आपको बहुत सारे पुरस्कार देती है, बहुत सारे अवसर प्रदान करती है, ये मानते हुए कि आप युवा हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो इन क्षेत्रों में जाने के बाद सरकार की तरफ से जो अवसर प्रदान किए जाते हैं, इनमें से कुछ युवा ऐसे होते हैं जो उन अवसरों का गलत फायदा उठाते हैं और साथ ही साथ समाज में असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो युवा वह व्यक्ति है जिसके विचारों में नवीनता है, जो हर चीज नई सोचता है, जो हर चीज में सकारात्मक रहता है, जिसके विचारों में हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहता है, वो नेगेटिव नहीं सोचता। क्योंकि जो व्यक्ति नेगेटिव होता है वो युवा नहीं हो सकता। युवा अगर व्यक्ति है और उसके विचारों में नवीनता है तो ही वो समाज के लिए कुछ सकारात्मक सोच सकेगा, समाज की गतिशीलता में अपनी भागीदारी निभा सकेगा। साथ ही साथ जब हम लोग देखते हैं कि युवा कौन है, तो युवा वास्तव में वह व्यक्ति है जो कि ईमानदार है। क्या हम अपने आप से या अपने आसपास के जो समाज है उनमें जो युवा है उनको देख के कह सकते हैं कि उनमें ईमानदारी है? मैं आपसे कहना चाहूंगी कि नहीं। आज का युवा ना तो अपने लिए ईमानदार है, ना अपने समाज के लिए ईमानदार है, ना अपने परिवार के लिए ईमानदार है। उसकी ईमानदारी कहीं ना कहीं खो गई है और उसका जो पूरा जीवन चक्र है, उसका जो पूरा ऑरा है, उसकी जो पूरी दुनिया है, उस पूरी दुनिया को उसने सोशल मीडिया पे लाकर संकुचित कर दिया है। वो तो जो युवा की जो पूरी दुनिया है वो सोशल मीडिया पे आके रुक गई है, उसकी ईमानदारी सिर्फ सोशल मीडिया तक रह गई है। कोई भी मुद्दा होता है, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का अभी जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि मीडिया ने उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो, चाहे हमारे LOC का मुद्दा हो, चाहे हमारे देश के सेना का मुद्दा हो, वीर सपूतों का मुद्दा हो, वीरांगनाओं का मुद्दा हो, शहीदों का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दे पता है मैंने सोशल मीडिया पे अपनी श्रद्धांजलि दे दी, अपने विचार व्यक्त कर दिए, ड्रग्स के लिए अपने विचार रख दिए, नशे के लिए अपने विचार रख दिए, उसमें मेरी इतिश्री हो जाती है, जबकि वो उस पर खुद पालन नहीं करता। एक युवा की जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस चीज को कह रहा है उस पर अमल करे, उस चीज को माने, उस चीज कि जो उसने रेखा अपने जीवन में बनाई है, जिस चीज़ का वो ज्ञान देता है, वो उसी चीज़ को अपने जीवन में उतारे। लेकिन आज के युवा की कथनी और उसकी करनी में बहुत बड़ा अंतर है, और उसी अंतर की वजह से आज का जो युवा है वो फ्रस्ट्रेटेड है। युवा की सबसे बड़ी समस्या आज की यही है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके पास समय नहीं है। किसी भी वक्त किसी भी युवा से पूछो कि क्या कर रहे हो, कि बिजी हूँ। कहाँ बिजी है? घर में। घर में किस चीज में बिजी है?
कोई काम नहीं कर रहे हैं घर में, लेकिन वो बिजी है सोशल मीडिया में। एक सर्वे हुआ था अमेरिका में, उस सर्वे के अनुसार जो देश का युवा है, स्पेशली भारत के युवा की बात की जा रही है, कि भारत का युवा हर 6 सेकंड में अपना जो फोन है उसको चेक करता है। और ये जो 6 सेकंड है, इसकी जो इंटेंसिटी है, ये तभी आई है जब हर युवा के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है। हर युवा के हाथ में एक ऐसा फोन आ गया जिसमें कि वो हर वक्त अपने आप को अपडेट कर सकता है, और उस अपडेट करने की जो उसकी टेंडेंसी है, उसकी जो भावना है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपने घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार का जो पूरा क्रियाक्रम होता है, पूरी जो शव यात्रा होती है, उसकी सेल्फी लेते हुए डालते हैं फोटो अपने दादाजी की शव यात्रा को ले जाते हुए। तो यहाँ तो हमारे युवा की जो मानसिकता है, जो सोच है, वो तो बिल्कुल गिर चुकी है। हमारे देश में, हमारे संस्कारों में, सभ्यता में, संस्कृति में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि युवाओं को ऐसा करना चाहिए। युवाओं की ये जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के प्रति संवेदनशील बने, अपने परिवार के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील बने, लेकिन ये संवेदनशीलता कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। और जितनी भी संवेदनशीलता, उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैं हर चीज़ को बस कैसे भी करके सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिंडर, जितने पोर्टफोलियोज हैं, ट्विटर, हर जगह पे उसकी एक ही चीज़ जगह जगह दिखेगी। लेकिन वहीं जब उससे ये बोला जाए कि आप इस समस्या पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसके समाधान आप क्यों नहीं बता पा रहे, या इस समस्या के समाधान के लिए आप क्यों कुछ नहीं करते, तो उनका सीधा सीधा सा एक जवाब होता है कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम समाज का है। और यही कारण है कि आज हमारे देश का जो युवा है वो समाज में सबसे ज़्यादा कुंठित हो चुका है, सरकार से बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है, सरकार के अगेंस्ट हो चुका है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं इस देश में हूँ, इस समाज में हूँ, तो मेरी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। मुझे रोजगार देना है तो सरकार दे, मुझे शिक्षा देना है तो सरकार दे, मुझे स्वास्थ्य देना है तो सरकार दे। जब सब कुछ काम ही सरकार को करना है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो इस डिपेंडेंट हो गया है सरकार पे। तो वो जो भावना है, वो जो विचार है, हमें अपने मन से निकालने पड़ेंगे। दूसरी चीज, जो युवा है, युवा को अपने जीवन में सच्चाई को उतारना पड़ेगा। आज का युवा पूरा वर्चुअल लाइफ में जी रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहा है। फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं, उसके पेज पे 50000 लोग हैं, उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन जब मौका आता है, जब समस्या आती है, जब कोई कठिनाई या परेशानी आती है, उन 5000 और 50000 में से मुश्किल से अगर 5 लोग भी उसके कहने पर उसी वक्त आ जाए, तो वो उस युवा की, उस व्यक्ति की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन आज वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल लाइफ में जी रहा है। वो ये देखता है कि मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे, मेरे इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने मेरी स्टोरीज को देखा है, उसको शेयर किया है, उसको लाइक किया है, उसको कमेंट किया है, किसने अच्छा लिखा है, किसने बुरा लिखा है। तो उसकी पूरी ज़िंदगी वहीं अटक गई है। जिसने अच्छा लिखा है वो उसको सोचता है कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, जिसने बुरा लिखा है वो उसको अपना दुश्मन मान लेता है। अपने ही मित्र ने अगर क्रिटिसाइज कर दिया, उसकी आलोचना कर दी, तो उससे दुश्मनी लेके बैठ जाएंगे। जबकि जो सच्चे मित्र होते हैं वो ही हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे। जो आभासी दुनिया है, जो वर्चुअल लाइफ है, वो तो आपको हर चीज़ अच्छी 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 दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन युवा की लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अपने जीवन में एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया और उस विश्लेषणात्मक आकार, प्रकार, साथ ही साथ एक प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो अपने जीवन में विश्लेषण नहीं करेगा, खुद का विश्लेषण नहीं करेगा, अपने कार्यों का विश्लेषण नहीं करेगा, अपनी गतिविधियों का विश्लेषण नहीं करेगा, तब तक वो अपनी सफलता का आकलन नहीं कर सकता। आज जिस भी युवा को देखो, वो एक ही रट लगाए बैठा है कि रोजगार नहीं है, सरकार ने रोजगार नहीं दिए, सरकार ने वादे किए थे
चाहे किसी भी सरकार की बात कर ले, हम लोग कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, हर सरकार से युवाओं का एक ही प्रश्न रहता है कि आप हमें रोजगार कितना दे रहे हैं। जब हम हर चीज सरकार के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं तो फिर एक चीज सोचिए कि क्या सरकार इतने लोगों को रोजगार दे सकती है। भारत की अगर जनसंख्या देखा जाए और उस जनसंख्या के आधार पर यदि रोजगार की उपलब्धता देखी जाए तो वो बहुत कम है। तो यहाँ युवाओं को जरूरी है कि वो स्वरोजगार की तरफ बढ़े, स्वरोजगार की तरफ बढ़े, अपना जो मानसिक स्तर है, अपना जो शैक्षणिक स्तर है उसको बढ़ाए। क्योंकि जैसे ही आपका मानसिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, आपकी जो क्वालिटीज हैं वो बढ़ेगी, उस क्वालिटी में मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रही कि आपके पास दुनिया भर की सारी योग्यताएं हैं लेकिन आप उसका नहीं पा रहे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही क्वालिटी है तो वो आप उस एक क्वालिटी के आधार पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, आप रोजगार चला सकते हैं। इसमें मैं बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जो स्वरोजगार समूह होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, जो उसमें महिलाएं होती हैं, वो बहुत छोटे छोटे घरों से आती हैं और छोटे छोटे घर से आने के बाद वो अपना रोजगार शुरू करती हैं। और उस रोजगार में भी वो वही आइटम बनाती है जो वो खुद घर में बना सकती है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, वो क्या कर सकते हैं, और उसी के आधार पे वो अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं युवा की राष्ट्र की भूमिका में, तो सबसे बड़ी उसकी भूमिका आ जाती है कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। लेकिन हमारे देश का जो युवा है वो खुद अपने दिल से सबसे ज्यादा करप्ट है। वो खुद हेलमेट नहीं लगाता और जब पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो पुलिस वालों को गाली बकेंगे, प्रशासन को गाली बकेंगे, शासन को गाली बकेंगे। वो खुद रेलवे होता है, एजेंट से टिकट बनवाते हैं, एजेंट से टिकट बनवाने के बाद जब वो एजेंट कमीशन लेता है तो फिर उसको गाली बकेंगे। हम उस युवा की बात कर रहे हैं जो अपना काम समय पर कराने के लिए, जल्दी कराने के लिए, रिश्वत देने के लिए तैयार है लेकिन वेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो जैक लगाने में विश्वास करता है बशर्ते कि वो अपना काम किसी प्रॉपर प्रोसीजर से कंप्लीट हो। तो भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले लोग है कौन? भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले लोग हम ही हैं, वो युवा ही है जो कि इस देश में भ्रष्टाचार को धीरे 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 करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और फिर उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे पूरी सरकार पे डाल दी जाती है कि सरकार भ्रष्ट है, पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो भ्रष्ट है। तो इन सबको भ्रष्ट बनाने वाले हम लोग हैं। हम लोगों ने उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी है, हम लोगों ने उन लोगों के कदमों को आगे बढ़ाया है। अगर हम लोग ही रिश्वत नहीं देंगे तो वो रिश्वत लेंगे कहाँ से? लेकिन नहीं, हम लोग करते क्या है कि अपना काम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए सरकार को कोसना जानते हैं। हम लोग अपने फायदे के लिए, जल्दी से जल्दी हटने के लिए, जब भी ट्रैफिक सिग्नल पे आपका चालान बना दिया जाएगा, युवा का चालान बना दिया जाएगा, तो खुद बोल देता है अरे सर 100-200 रुपये लेके छोड़ दो, क्या चालान बना, क्योंकि मालूम है एज पर नॉर्म्स तो चालान ज़्यादा बनेगा, पुलिस वाले हैं कैसे भी करके मान जाएंगे। तो रिश्वत दे कौन रहा है? पुलिस वाले ने तो रिश्वत नहीं मांगी थी आपसे आगे होके, आपने आगे होके रिश्वत देने की कोशिश करी, आप पकड़े गए हैं। लेकिन सारा का सारा जो ठीकरा होता है वो युवा के ऊपर डाल दिया, सारा का सारा जो ठीकरा होता है वो सरकार के ऊपर फोड़ा जाता है कि सरकार भ्रष्ट है। युवा ना विकास चौधरी जी, युवा नहीं राजनीति भ्रष्ट है। आपने बिल्कुल सही कहा, युवा नहीं राजनीति भ्रष्ट है, लेकिन इस राजनीति को भ्रष्ट करने वाले जो लोग हैं उसके अंदर युवाओं की भूमिका रही है। मंत्री का चालान क्यों नहीं कटता है? मंत्री का चालान इसलिए नहीं कटता है क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, इन लोगों को डर लगता है कि हमारा ट्रांसफर यहाँ वहाँ या कहीं ऐसी जगह हो जाएगा जहाँ से वो अपने परिवार वालों के टच में नहीं रहेंगे। इसलिए आप इस चीज़ पे अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि जैसे ही सरकार बदलती है वैसे ही
पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेसी होती है, IAS होते हैं, RAS होते हैं, इन सभी के ट्रांसफर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में जो मंत्री होता है वो ये चाहता है वहाँ पे उसके फेवर का ब्यूरोक्रेट हो, वो उसके फेवर का काम करे ताकि उसको कोई परेशानी ना हो, और जैसे ही उसके कोई परेशानी आने लगती है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप ये बताएं कि राजनीति सेवा है या नौकरी? राजनीति सेवा तब तक है जब तक कि वो जनता के लिए की जाए, अदरवाइज ये नौकरी बिल्कुल नहीं है। राजनीति अगर नौकरी होती तो इसमें बकायदा सैलरी मिलती, लेकिन जब यदि हम लोग जो सरकार के द्वारा सैलरी दी जाती है MPs और MLA को, और उनकी अगर हम लोग प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर रात और दिन का अंदर नजर आएगा। तो राजनीति सेवा सिर्फ उस राजनीतिज्ञ के लिए है जो कि समाज के लिए कार्य कर रहा है। जो समाज के लिए कार्य नहीं कर रहा, अभी कोविड के टाइम में ही मैं आपको बता दूं, स्पेशली अगर कोटा की बात करें, मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो कोटा के में 6 विधायक हैं, 3 कांग्रेस के, 3 BJP के हैं, लेकिन इन विधायकों को कोविड के ड्यूरेशन में कभी भी जनता के बीच उनकी समस्याओं से जूझते हुए, हॉस्पिटल की समस्या का निराकरण करते हुए, हॉस्पिटल में जाके विजिट करते हुए नहीं देखा गया। क्यों नहीं देखा गया? कहीं ना कहीं उनको डर था कि वो कोविड से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। न्यूज़पेपर में प्रेस नोट देना अलग बात होती है, लेकिन जनता के बीच जाके उनकी समस्या का समाधान करना, उनकी समस्या को सुनना, उनकी समस्या को महसूस करना अलग बात होती है। इन विधायकों के प्रेस नोट तो आते हैं, लेकिन इनकी जो गतिविधि समाज में इस वक्त होनी चाहिए थी, लोगों के बीच में जाके उनकी जो परेशानियां हैं, उन्होंने जितना भी कुछ झेला है अभी भी झेल रहे हैं, करोड़ों लोगों की भारत के अंदर नौकरी चली गई है, लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोगों का घर छिन गया है, इन सबकी इनको कोई परवाह नहीं है। इनको परवाह सिर्फ और सिर्फ अभी एक चीज की है कि कैसे भी करके सरकार को बचाया जाए, सरकार बना ली जाए, कैसे भी करके हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सरकार में उसको आगे बढ़ाया जाए। तो पेंशन क्यों मिल रही है, ये बेरोजगारों की आवाज़ है। ये तो खैर होना ही चाहिए कि जैसे ही किसी भी सांसद और विधायक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, 5 साल का कार्यकाल होता है, तो उसको पेंशन क्यों मिल रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। जबकि जो न्यू पेंशन स्कीम आई है, उस पेंशन स्कीम का जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी उसमें कार्य कर रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं कि जब उनको रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, तो इन भ्रष्ट नेताओं का, जिनके ऊपर हजारों हजारों केसेस चल रहे हैं, किसी के ऊपर मर्डर के केसेस हैं, किसी के ऊपर धोखाधड़ी के केसेस चल रहे हैं, किसी के ऊपर जालसाजी के केसेस चल रहे हैं, इन लोग कुछ कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जिनके ऊपर रेप केसेस चल रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं हटाया जाता और इनके ऊपर क्यों वो पॉलिसीज लागू नहीं की जाती जो एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर की जाती है। मैं चाहता हूँ कि राजनीति के लिए एग्जाम होना चाहिए। आपके विचार बहुत अच्छे हैं विकास चौधरी जी, लेकिन भारत जैसे देश में ऐसा मुझे लगता नहीं कि संभव होगा, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है और यहाँ पे जनता को बहलाना फुसलाना बहुत आसान है। पिछले 2 चुनावों में हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि किस तरीके से जनता नेताओं के भाषणों में पूरी की पूरी बह जाती है, उनके विचारों को ऐसे अमल करने लगती है कि उनको लगता है कि अब इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो बहुत बड़ा है युवा और राजनीति विषय, इसके ऊपर हम लोग और भी किसी दिन चर्चा कर सकते हैं। इस चर्चा को हम लोग और जारी रखेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी जो बाकी के और मुद्दे हैं युवा से संबंधित, हम लोग उन पे बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात करी युवा और राजनीति की, अब हम लोग बात करेंगे कि इस युवा की इस देश में और क्या जिम्मेदारी बनती है। उसकी जो नेक्स्ट जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे देश की एकता है उसको बनाए रखने की, क्योंकि जब राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र इस देश का तभी रह सकता है जब इसमें एकता होगी।
और ये एकता तभी होगी जब इस देश का युवा समझदार होगा, वो ये समझ सकेगा कि समाज में उसको करना क्या है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 1652 भाषाएं हैं, उन 1652 भाषाओं से कई भाषाएं संविधान में लिखी गई हैं, जिनको राज्य भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इन राज्य भाषाओं के अलावा जो भाषाएं हैं वो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं का अपना अस्तित्व है, राज्य भाषाओं का अस्तित्व है। तो यदि इन भाषाओं की विभिन्नता हमारे देश में होते हुए हम लोग एक रह सकते हैं, हमारे भारत देश के अंदर यदि धर्म गिने जाएं तो पूरे 11 धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, बहाई, शिंटो, जुरास्ट्रियन, ताओ, ये 11 रिलीजन तो मेरे को याद है। इसके अलावा अगर और कोई रिलीजन हो जिसके निवासी भारत में रहते हो तो उनका भी स्वागत है। भारत के अंदर भाषाई विविधता है, भारत के अंदर धार्मिक विविधता है, भारत के अंदर जातीय विविधता है, भारत के अंदर संप्रदायों की विविधता है। यहाँ पर कास्ट अलग है, क्रीड अलग है, हर कुछ अलग है, वेशभूषा अलग है। तो यदि इन विभिन्नताओं के साथ भारत को एक बनाए रखना है तो वो पूरी जिम्मेदारी युवा की आती है। युवा को हमेशा ये विभिन्नता में एकता का जो नारा है उसको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, साथ ही साथ उस एकता को बनाए रखने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। एकता बिना प्रयास के नहीं आएगी, अगर प्रयास नहीं किए जाएंगे तो फिर वही धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पे झगड़े होंगे। हर व्यक्ति लड़ेगा, हर व्यक्ति इसी बात पे बात करेगा कि किस तरीके से उस धर्म को या उस भाषा को नीचा दिखाया जा सके, किस तरीके से उस व्यक्ति को हम लोग नील डाउन कर सके, उसका अपमान कर सके। तो ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग विभिन्नता के साथ नहीं रह सकते तो हम लोग इस देश की एकता को नहीं बचा सकते। अभी रिसेंट में एक बहुत अच्छा सा केस हम सबके सामने है कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ, मर्डर हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उस सुशांत सिंह राजपूत की जब के लिए न्याय के लिए लोग बात कर रहे थे तो कह रहे थे बिहार के हीरो को न्याय दिलाया जाए। जब कंगना रनौत ने उसके लिए आवाज़ उठाई तो बोला गया कि हिमाचल प्रदेश की बेटी को सुरक्षा प्रदान की जाए। जब रिया की बात आती है, रिया चक्रवर्ती की बात आती है, तो वेस्ट बंगाल के लोग बोलते हैं कि बंगाल की बेटी की सुरक्षा की जाए, उसके आत्मसम्मान को बचाया जाए। तो हमारे देश में तो इतने सारे टुकड़े हैं, हमारे देश की जो एकता है उसको इस सोशल मीडिया ने पूरा तोड़ के रख दिया है। क्योंकि तो सोशल मीडिया पे हर कोई ये लिखता है कि मैं राजस्थान से, मैं महाराष्ट्र से, मैं बंगाल से, मैं बिहार से, मैं केरला से, मैं तमिलनाडु से। बहुत कम ऐसा लिखने को आता है कि मैं भारतीय। तो ये जो भारतीय वाला कॉन्सेप्ट है ये तभी आएगा जब हम लोग अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से ये जितनी विभिन्नताएं हैं उन सभी विभिन्नताओं को हटा देंगे। दूसरी जो हमारी बात आती है वो आती है सद्भावना की। और ये जो सद्भावना की बात है ये तभी आएगी युवा में जब वो सभी के लिए समानता का भाव रखेगा, सभी के लिए एम्पथी का भाव रखेगा, सिंपथी का भाव रखेगा। हिंदू के दर्द होता है तो मुस्लिम को भी वही दर्द महसूस होना चाहिए, और ऐसा हुआ है इस कोविड में। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि हिंदू की मौत पर मुसलमानों ने उसकी जो शव यात्रा थी उसमें कंधा दिया, मुस्लिम हिंदुओं ने उसका दाह संस्कार, मुस्लिम में दाह संस्कार नहीं होता, उनमें कब्र में दफनाया जाता है, तो वो काम हिंदुओं ने किया है। तो हमारे देश का जो हिंदू और मुस्लिम है उसके अंदर तो एकता की भावना है, लेकिन हमारे देश की जो राजनीति है उस राजनीति ने इस देश के युवाओं का जो मार्ग है उसको भटका दिया है, युवाओं को अपने मार्ग से विचलित कर दिया है।
वो युवाओं के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज डालना चाहती है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है और किसी धर्म का नहीं है, जबकि हमारे देश में, हमारी सभ्यता में, संस्कृति में, विचारों में, हमारे साहित्य में हर जगह समानता की भावना है। हर जगह हम लोग धार्मिक धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन जो सरकारें हैं वो अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो विभिन्नताएं हैं, चाहे वो धर्म की हो, जाति की हो, भाषा की हो, क्षेत्र की हो, इनके आधार पर लड़ाती रहती है। आज महाराष्ट्र में बिहार वालों को लेके और महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश वालों के साथ कितना अन्याय अत्याचार होता है आप सब लोगों ने देखा, तो ये क्या है, ये क्षेत्रीयता है। रिसेंट में हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर एक आदेश आया है कि जिसके अंदर जो मध्य प्रदेश सरकार की नौकरियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के वासियों को मिलेगी। तो हम लोग जो इस भारत देश में रहते हैं, क्या इस संविधान के आधार पर चल रहे हैं? क्या ये युवा संविधान को मान रहा है? हमारा संविधान ये कहता है कि अवसर में समानता होनी चाहिए, लेकिन ये अवसर की जो समानता है वो तो पूरी समाप्त कर दी गई है। महाराष्ट्र वाला ये कहता है कि यहाँ पे सिर्फ मराठी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं हम लोग किसी और को नौकरी नहीं देंगे, मध्य प्रदेश के लोग कहते हैं हमारे संविधान के जो मूल तत्व थे, जो आधारशिला थी, हमारे संविधान की जो नींव थी उसको हिला के रख दिया। और उसके हिलने से क्या हुआ है कि हमारे देश की जो एकता, अखंडता, संप्रभुता थी उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आज हर वक्त हम लोगों को डर लगा रहता है कि कभी पाकिस्तान हमला करेगा तो कभी नेपाल हमला कर सकता है, और अगर ये हमला करता है तो इसके अंदर फिर जो बलिदान होगा वो हमारे देश के युवाओं का होगा, सैनिकों का होगा। तो उन सच्चे देशभक्तों के लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, उनको सिर्फ नमन कर सकती हूँ, उनको चरण स्पर्श कर सकती हूँ। लेकिन जब हम लोग उन युवाओं की बात करते हैं जो इस तरीके के मुद्दों को लेकर अननेसेसरी के अपने वक्तव्य देते हैं, क्रिटिसाइज करने लगते हैं, अपनी कोई भूमिका समाज में ना निभाते हुए वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को दोष देने लगते हैं, तो वो गलत है। अगली जो बात आती है वो आती है युवा के लिए उसके चरित्र की, हमारे युवा का चरित्र कैसा होना चाहिए। तो यदि आज के युवा का चरित्र देखा जाए तो आप सभी को मालूम है कि आज का युवा क्या सोचता है, और आज के युवा की मानसिकता विकृत क्यों हो गई है। आज के युवा में और आज से 20 साल पहले के युवा में इतना डिफरेंस, इतना गैप क्यों आ गया है? उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि आज के युवा का जो अधिकांश समय है वो बीतता है इंटरनेट पे, और उस इंटरनेट पे अच्छी चीजें सर्च करने के बजाय, ब्राउज करने के बजाय वो ऐसी चीजें सर्च करता है जिससे कि सिर्फ और सिर्फ समाज का, उसके मन का और उसके मस्तिष्क का विध्वंस होता है। इन सभी के कारण क्या है कि हमारे समाज में जो वो सकारात्मक ना होते हुए वो नकारात्मक होती जा रही है, क्योंकि उसका चरित्र का पतन होता जा रहा है। युवा सपने देखता है राष्ट्रपति बनने के, लेकिन वो राष्ट्रपति का चरित्र क्या होता है उसके बारे में नहीं जानता। युवा सपने देखता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एक आदर्श शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता। वो सिर्फ इतना जानता है बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके उसको कहीं से भी कोई भी नौकरी मिल जाए उस नौकरी देने को तैयार है। कल ही की बात है मुझे पता लगा कि कहीं पर जो क्या कहते हैं उसको, जुडिशरी, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, तो कोर्ट के अंदर जॉब निकली थी चपरासी की, अप्लाई करने वाला व्यक्ति बीटेक, पढ़ा लिखा व्यक्ति था,
और उसके फादर सिर्फ और सिर्फ उसको सरकारी चपरासी बनाने के लिए 5 लाख की रिश्वत देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट भर्ती थी। तो भ्रष्ट कौन है जो कि नौकरी लेने के लिए गया था? वो व्यक्ति जो उसको नौकरी देगा? हमारा पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से बुन दिया है कि अगर हम लोग उसको उधेड़ना भी चाहें तो नहीं उधड़ सकता। हर जगह भ्रष्टाचार हमारे देश की जड़ों में जा चुका है, लेकिन यदि युवा चाहे तो उसको वो खत्म कर सकता है। फिर अगली बात आती है इस देश के युवा की, कि युवा को समाज में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि युवा को इस समाज में ऐसा कार्य करना चाहिए कि लोग उसका नाम याद रखें। आज हम सभी लोग भगत सिंह को याद करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं, बिस्मिल को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में इस देश के लिए अपना तन, अपना मन सब कुछ समर्पित कर दिया। हम लोग विवेक एकमात्र ऐसे युवा थे जिन्होंने देश का मान शिकागो में जाके फैलाया, शिकागो में जाके भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विश्व पटल पे पूरे विश्व के सामने रखा। हम लोग बात करते हैं अंबेडकर की, जिन्होंने इस देश के उन युवाओं को समाज में मान सम्मान दिलाने की कोशिश करी जिनको कि सवर्णों ने कभी सम्मान नहीं दिया था। हम लोग बात करते हैं ऐसे युवा की जो कि समाज में भी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि यदि युवा समाज के अंदर कुछ करना चाहता है तो उसको करने नहीं दिया जाता। हर कोई ये चाहता है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, हर कोई ये चाहता है विवेकानंद पैदा होना चाहिए, समाज के अंदर ऐसे लोग हों, शिवाजी पैदा हों, महाराणा प्रताप जैसे लोग पैदा हों जो कि जितनी भी बुराइयां हैं, समस्या हैं, उनसे लड़ सके। लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये जितने भी महापुरुष हैं ये हमारे घर में पैदा ना हो के ये पड़ोसी के घर में या अगली गली में जाके पैदा हो, क्योंकि हमारे घर का जो बच्चा है वो तो हमें कमा के खिलाएगा, वो तो हमारे घर का लालन पालन करेगा, हमारे घर का पोषण करेगा, हमारे लिए जीवन में कार्य करेगा। तो यदि हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा तो समाज के अंदर बदलाव तो आएगा नहीं। जो राजनीति भ्रष्ट होती जा रही है वो और भ्रष्ट होगी। राजनीति में अच्छे युवाओं को आना चाहिए, साथ ही साथ जो राजनीतिज्ञ बूढ़े हो चुके हैं एटलीस्ट उनको अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। 70-70 साल के लोग, 75 साल के लोग संसद में जाके बैठे हैं, उनकी जगह यदि कोई युवा जाएगा तो वो युवा वहाँ पे समाज में बदलाव लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि युवा ही युवा के दिमाग से सोच सकता है। 70 साल के ये जो सांसद हैं ये लोग वहाँ बैठने के बाद जब भी इनके पेंशन की बात होती है, इनके सैलरीज की बात होती है, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी विरोध के हमेशा सारे बिल 90% मेजोरिटी के साथ पास हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी ने प्रेजेंट किया हो। क्यों? क्योंकि उनमें उनका फायदा नजर आता है। उनको देश के बारे में सोच के करना क्या है? देश के बारे में सोचना है तो युवा को सोचना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सोचा देश के युवाओं के लिए, और यही कारण है कि इस देश में आज तक जितने राष्ट्रपति हुए APJ अब्दुल कलाम है। मेरे रोल मॉडल जो हैं वो डॉक्टर SN सुब्बाराव जी हैं। 92 ईयर्स की एज कंप्लीट हो चुकी है, आज भी वो युवाओं से बात करते हैं। हर शनिवार हम युवा ऑनलाइन आने में कतराते हैं, लोगों से बात करने में झिझकते हैं, लेकिन 92 प्लस के हैं डॉक्टर SN सुब्बाराव जी, फरवरी में 93 के हो जाएंगे। वो आज भी हम लोगों से ऑनलाइन बात करते हैं ताकि इस देश में शांति सद्भावना बनी रहे, धार्मिक एकता बनी रहे। जो युवा है उनको वो
संदेश देते हैं कि समाज में जाके कार्य करो और सकारात्मक कार्य करो, नकारात्मक कार्य नहीं करने। और सकारात्मक कार्य करने के लिए विश्वास मानिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमारे इसी लाइव सेशन में स्टार्टिंग में दिनकर विजय वर्गीय जी थे, उन्होंने 50,000 सीड बॉल्स बनाए थे। उनका एक बैंक चलता है, किताबों का बैंक है, एक बैंक है जिससे कि वो बच्चों को पेंसिल और स्टेशनरी का सामान देते, तो उसमें उनका कोई एक रुपया खर्च नहीं होता है। और वो ये सब काम सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके मन में एक जिज्ञासा है, उनके मन में समाज में कुछ करने की इच्छा है। तो अगर समाज का भला करना चाहते हैं तो विश्वास मानिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे हजारों युवा हैं जो कि रक्तदान करते हैं, जो पौधारोपण करते हैं, जो कि स्वच्छ भारत मिशन में लगे हुए हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रेन्यूमरेशन के। उनको उसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ अपनी इच्छा से, अपने मन से वो लोग ये काम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो समाज में एक अपना नाम कमाना चाहते हैं। क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको, चाहे आपके प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो आपको सम्मानित ज़रूर करती है। आप अच्छा कार्य करिए, सरकार आपको हमेशा आगे लेके जाएगी। धीरे धीरे हम लोगों को हो चुका है, अब बहुत कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप सभी से पुरुषोत्तम सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव आने के लिए और इस लाइव को वॉचिंग के लिए। आपका आना मेरे लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है कि आज आप मेरा लाइव सुन रहे हैं जन सरोकार मंच टॉक के पेज पे। तो युवाओं के राष्ट्र में जो भूमिका है वो यही है कि जो हमारे देश की संप्रभुता है, जो देश की एकता है, अखंडता है, समर्थता है, इसकी समृद्धि है, वो इसको बनाए रखे, देश को वो भ्रष्टाचार मुक्त बनाए, खुद अपने आप को दिल से, तन से, मन से भ्रष्टाचार मुक्त रखे, इस देश को गरीबी से मुक्त करे। गरीबी से मुक्त करने के लिए युवा की जिम्मेदारी है, वो या तो वो स्वरोजगार की तरफ बढ़े या फिर वो अपने आप को इतना सक्षम कर ले कि उसको हर व्यक्ति रोजगार देने के लिए आगे आए। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आपके पास रोजगार की कमी नहीं रहेगी। इस देश के युवा की जिम्मेदारी है कि वो अपना चरित्र जो है वो विवेकानंद की तरह बनाए, वो अपना चरित्र भगत सिंह की तरह बनाए, अंबेडकर की तरह बनाए, अपने चरित्र को भ्रष्ट नेताओं की तरह बनाओगे तो आप अपने समाज का, जिसको बोलते हैं हम लोग, बंटाधार कर दोगे, आप अपने समाज को गर्त में ले जाओगे। फिर जब हम लोग बात करते हैं युवा की, हम लोग जो नेशनल यूथ प्रोजेक्ट के लोग हैं, मैं नेशनल यूथ प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ, डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी का ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, सोसाइटी है सिर्फ इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी हूँ। तो हम लोग युवाओं के बीच में काम करते हैं, तो युवाओं के बारे में कहा जाता है कि देश की आन बान शान सम्मान, देश का गौरव, देश का अभिमान, ये सभी युवा हैं। अगर युवा नहीं रहेंगे तो इस देश के ये सभी पैरामीटर समाप्त हो जाते हैं। आज हम लोग सुंदर पिचाई का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि वो भारत देश के हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने कुछ किया होगा तभी तो सीईओ हैं। हम लोग नाम लेते हैं धीरूभाई अंबानी का, जिन्होंने इस देश का नाम पूरे विश्व में फैलाया। हम लोग नाम लेते हैं रतन टाटा का, हम लोग नाम लेते हैं उन सभी लोगों का जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में फैलाया, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो। तो जिम्मेदारी इन लोगों ने अपने कंधों पर ली, और कंधों पर जिम्मेदारी लेने के बाद इन लोगों ने देश का नाम कभी नीचे नहीं आने दिया। तो अब इन युवाओं की भी यही जिम्मेदारी बनती है कि वो इस देश का नाम नीचे ना आने दे और हमेशा समाज में वो सकारात्मक गतिविधि करें, ईमानदार बने,
हमेशा सच्चाई का साथ दें, अपने विचारों में नवीनता के साथ साथ हमेशा कुछ ना कुछ सकारात्मक रहे, क्योंकि नकारात्मक जो प्रवृत्ति होती है वो हमेशा घेरने की कोशिश करती है। लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे इससे बाहर निकले और अपने आप को कैसे उन परिस्थितियों से दूर रख सकता है। वो सिर्फ तभी दूर रख पाएगा जबकि वो खुद पॉजिटिव रहेगा। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि विवेकानंद जी के विचारों को अपनाएं, भगत सिंह के विचारों को अपनाएं, जहां आवश्यकता है विरोध करने की विरोध जरूर करें, जहां आवश्यकता है धैर्य रखने की धैर्य जरूर रखें। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम चलो गति से नई गति झंझनाए, विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगी, विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगी, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ गई हूँ। तो ये जो प्रगति का पथ है ये पथ आपको निर्धारित करना है। जहाँ पर भी आपको मेरी आवश्यकता हो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर निधि प्रजापति के नाम से, डॉक्टर निधि प्रजापति के नाम से ही मेरी फेसबुक आईडी है। आप जब चाहे मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन रहेगा, स्वागत रहेगा। और आज ये मौका देने के लिए जन सरोकार मंच टॉक का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी से रूबरू हो सकूँ, आपसे बात कर सकूँ। क्योंकि जो युवा होता है उसके जो हौसले हैं, उसकी उड़ान है, उसकी उमंग है, उसकी तरंग है, उन सब देश बनता है। क्योंकि युवा की जो सोच है वो किसी और की नहीं हो सकती। और यही कारण है कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। और भारत विश्वगुरु तभी बन पाएगा जब आज का युवा सकारात्मक रहते हुए वो क्रिएटिव वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि सकारात्मक भी है और आप काम वही पुराना कर रहे हैं, क्योंकि जब आप नया काम करेंगे तब आपकी पहचान बनेगी। तो आखिरी में चलते चलते दो शब्द और आपके साथ, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार में, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार में, खबर ये आसमां के अखबार की है। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार में, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूँ तो मेरा कारवा चले, मैं चलूँ तो मेरा कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। तो ये जो एतबार रखना है, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखना है, अपने लिए उद्देश्य निर्धारित करने हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं, और उन लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद अपने ऊपर विश्वास रखना है, आत्मविश्वास रखना है कि हम लोग इसको पूरा कर पाएंगे और इस देश की जो एकता अखंडता है उसको हम लोग बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नौजवान जिंदाबाद।